नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा और हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले एग रोल और वेज रोल, तो चलिए शुरुआत करती हूँ। बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए। तो गाइस, एग रोल बनाने के लिए मैं ले ली अंडा, प्याज, गाजर, काकड़ी, हरा धनिया, हरा मिर्ची, टोमेटो और इधर है रेड चिल्ली सॉस, किशन जैम, मैदा, तेल और नमक। तो चलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए, शुरू करती हूँ। मैंने आधा किलो मैदा ले लिया, आधा किलो पूरा नहीं देंगे, स्वाद अनुसार नमक देंगे। मैं मेरा हिसाब से बना रही हूँ, आप लोग आपका हिसाब भी बनाइए। नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा थोड़ा पानी देके मैं वो बना के लूँगी। मैंने मैदा को अच्छे से दो बना के लिया, उसको अभी 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके मैं सैलड बना के लूँगी। इधर सब मैं अच्छे से धो के लिया है, गाजर का छिलका निकाल के लूँगी। गाजर को ऊपर का काट के फेंक दूंगी। गाजर का छिलका निकाल के हो गया, अभी काकड़ी का भी छिलका निकाल के लूंगी। काकड़ी का छिलका निकाल के हो गया, अभी दो साइड काट के फेंक दूंगी। प्याज का भी छिलका निकाल के लूंगी। प्याज का भी छिलका निकल के हो गया, अब इसको ग्रेट करके लेंगे। पहले गाजर का ग्रेट करके लेंगे। मैं ग्रेट करके ले रही हूँ सब चीज को, ककड़ी, गाजर। आप लोग चाहे तो छुरी से भी छोटा छोटा टुकड़ा करके ले सकते हैं। मेरा गाजर ग्रेट हो गया, अभी काकड़ी को ग्रेट करके लेंगे। मैंने गाजर और काकड़ी को ग्रेट करके लिया, अभी प्याज, टोमेटो, हरा मिर्ची सबको अभी कटिंग करेंगे। ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे। मैं मैंने प्याज का छोटा छोटा टुकड़ा करके लिया, अभी थाली में एक साइड में रख देंगे। अभी टमाटर कटिंग करेंगे, टमाटर को ऊपर का काट के फेंक देंगे, बीच में ऐसे काटेंगे, छोटा छोटा पीसिंग कर लेंगे। ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा करके लेंगे। मैंने टमाटर टुकड़ा करके लिया है, मैंने हरा धनिया का भी कटिंग करके लूंगी। हो गया हरा धनिया, मिर्ची को भी छोटा छोटा टुकड़ा करके लेंगे। मिर्ची को भी टुकड़ा करके लिया, इसको साइड में रख देंगे। बाकी का प्रोसेस चालू करेंगे। मेरा पूरा सैलड बना के हो गया, अभी जो मैदा का जो डो बना के रखा था, अभी कितना सॉफ्ट हो गया, थोड़ा सा चिकना करके लेंगे। मैंने मैदा को अच्छे से चिकना करके लिया, छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसके गोल बनाएंगे।
ऊपर सूखा मैदा देंगे। अब एक बड़ा रोटी जैसा बना लेंगे, रोटी मतलब रोटी बना लेंगे। मैं एक रोटी बना लिया, अभी चूल्हा भी रेडी है, अभी इसमें तवा बिठाएंगे। मैं पहले वेज रोल बनाएंगे, रोटी को पलटी मार के लेंगे। रोटी के ऊपर में थोड़ा सा तेल देंगे, फिर से पलटी मार के लेंगे। एक रोटी मेरा तैयार है, इसका भी निकाल लूंगी। मैंने और एक रोटी बना लूंगी, एक रोल का रोटी जितना पतला होएगा उतना खाने को बहुत अच्छा लगता है। और ये वेस्ट बंगाल में तो एकदम बहुत फेमस है, खाने को तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। भेज रोल बनाने के लिए मैंने दो रोटी बना के लिया, अभी एक रोल बना के लूंगी। मैंने एक रोल बनाने के लिए अंडा को फोड़ के लूंगी। थोड़ा सा नमक दूंगी, अच्छे से नमक को मिक्स कर लूंगी। एग रोल बनाने के लिए हम तवे में रोटी दे देंगे, रोटी को पलटी मार के लेंगे, ऊपर से तेल देंगे, तेल को थोड़ा रोटी से मिक्स करके लेंगे एकदम, फिर से पलटी मार के लेंगे, फिर से ये बाजू भी तेल दे देंगे। अभी इसमें अंडा ऐड करूंगी, इसे पूरा फैला लूंगी। अभी मैं पलटी मार के लूंगी। एक रोल बनाने के लिए एक ही बाजू अंडा देना पड़ता है, दो बाजू से नहीं जमेगा। एक रोल का रोटी एक तैयार हो गया, अभी दूसरा ऐसे ही बना। मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा रही हूँ, रोटी को पलटी मार के लूंगी। रोटी के ऊपर में तेल दे दूंगी, पलटी मार के लूंगी, ये बाजू भी तेल दे दूंगी। इसमें दे दिया अंडा, मैं थोड़ा फैला लूंगी। ये नाश्ता बनने को ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खाने को तो अच्छा लगता है और बहुत कम खर्चा में बन जाता है। हम लोग घर में जरूर ट्राई करके देखिए टिफिन में। अभी एक हो गया, मैं निकालेंगे। तो गाइस एग रोल का रोटी बना के हो गया, अभी पूरा सेव देंगे। अभी रोल बनाएंगे, पहले मैं टिश्यू पेपर रख दिया, उसके बाद जो रोटी बनाया था। थोड़ा सा गाजर देंगे, थोड़ा सा काकड़ी, थोड़ा सा काटा हुआ प्याज, थोड़ा सा टोमेटो, हरा धनिया, हरा मिर्ची। मैं दे देंगे रेड चिल्ली सॉस, मैं दे देंगे टोमेटो सॉस। अब इसको रोल करके लूंगी। एक मेरा भेज रोल तैयार हो गया। तो गाइस मैंने दो भेज रोल बना लिया, अभी एक रोल का ऐसे ही सेट देंगे। नीचे एक टिश्यू पेपर रख दिया, उसके ऊपर रोटी रख दिया, थोड़ा सा गाजर देंगे,
थोड़ा सा काकड़ी, थोड़ा सा काटा हुआ प्याज, काटा हुआ टोमेटो, हरा धनिया और हरा मिर्ची, थोड़ा सा रेड चिल्ली सॉस, थोड़ा सा टोमेटो सॉस। अभी रोल बना लेंगे। ये हो गया एक रोल, अब ऊपर से टिश्यू पेपर के कवर कर देंगे। दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है। मेरा एक रोल एक बन के तैयार हो गया, मेरा पूरा रोल बना के हो गया। तो गाइस मेरा एग रोल वेज रोल दोनों बना के तैयार है। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।